गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, अभी सुबह का टाइम है, अंशु गया स्कूल अभी अभी। मैंने कपड़े डाल रखे थे मशीन में, वो मैं जा रही हूँ सुखाने। तो मैंने सोचा आज सुबह सुबह व्लॉग शुरू करते हैं। बाबू अभी सो रहा है, और जब तक वो सो रहा है तब तक मैं इधर उधर का मतलब बाहर बाहर का काम करूँगी। अभी आई हूँ मैं किचन में, मैंने सोचा कुछ बना के ना पी लेती हूँ। अंशु मेरा लंच वंच लेके नहीं जाता, तो चाय गले में, कल पुआ खाई थी ना तो पता नहीं तेल का आइटम था, उस वजह से गले में बड़ा खसखसाहट हो रही है। मैंने सोचा कि ना कुछ चाय वाय बना के पिया जाए। तो अभी पहले कपड़े सुखा के आती हूँ, बाबू सो रहा है, नहीं तो उठ जाएगा तो जाने नहीं देगा। अभी गुनगुन भी सो रही है, उसका स्कूल है नहीं। 8 बज रहे हैं, ये घड़ी 10 मिनट आ गई है। अभी अभी निकला उनसे 10 मिनट पहले। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ छत पे पेड़ पौधे दिखाने के लिए। ये रहा कपड़ा और ये रही मैं, और चलिए अब। आराम आराम से, नहीं तो बाबू उठ जाएगा। नीचे वाले गमले में कुछ नहीं है, बस ये केले के हैं, ये कड़ी पत्ता और ये बस। इधर का नज़ारा देखिए, सुबह सुबह का टाइम है अभी। एक कड़ी पत्ता ये भी है, देख रहे हो कितना सुंदर है। ये देखिए बहुत बड़ा पेड़ है ये। ये देखिए दोस्तों, पहले तो सूर्य भगवान, ये देखिए इतना तेज चमक रहे हैं ना, और पता नहीं नीचे नीचे क्या लग रहा है, धुंध सा लग रहा है। अब ये पोल्यूशन है या सुबह का टाइम है इस वजह से धुंध है, पता नहीं क्या, जो भी होगा। लेकिन अच्छा लग रहा है, थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है। धूप बहुत तेज लग रहा है। और ये देखिए टमाटर इतना, देख रहे हैं फूल कितने से आए हैं। ये देखिए ये टमाटर पकने वाले हैं अब। और ये है धनिया, ये देखिए कितना बड़ा हो गया। अभी मैं इसको तोड़ लूँगी। और सेम भी दोबारा से आ गया, ये देखिए कह रही थी ना, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतनी रोशनी है मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये देखिए ये जो है ना, ये कौन सा बोलते हैं इसको, पर्पल, कौन सा कलर है ये, और बैंगन। बैंगन की झाड़ दोबारा से बड़ी हो गई है, पौधा। और पालक देखिए, धनिया, धनिया, पालक, ये हमारा गमले का दूसरा टमाटर, ये भी टमाटर नहीं लग रहा, दिख रहा है? ये रहा कहाँ गया, छुटकू छुटकू से बच्चे इसके। ये देखिए छूंगी नहीं, दूर से ही देखते हैं ऐसे पौधों को ना। इसमें भी धनिया डाल दिया लहसुन में, और एक गमले में ये रहा, ये देखिए। और उस तरफ से चल के दिखाती हूँ, लहसुन बहुत बढ़िया हो गया इस साल। कपड़े डाल दिए इधर, छत पे कोई नहीं है अभी, सब सूना सूना सा, पता नहीं क्यों बाहर भी सूना ही लग रहा है। और ये हमारा कड़ी पत्ता है, एक बच्चे ने गमले तोड़ दिया तो इसके पापा यहाँ लगा दिए, लेकिन ये छत हमारा नहीं है, इसने भी लगा रखा है। ये देखिए फूल, पानी नहीं डाल रही है, पता नहीं कब डालेगी,
और इसके धनिया में दाने भी आ गए हैं, ठीक है। बस ये ना मिर्ची नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं होता। देखो इधर भी फूल आ गए, और ये मेथी देखिए कितना मस्त हो गया है। ये रहा लहसुन, पकने लग रहा है बिना पानी के। और मिर्ची में फूल तो इतने आए, लेकिन एक भी नहीं आया मिर्ची। ये देखो अभी भी इतने फूल लगे हुए हैं, और इसमें आ गया एक बैंगन, एक बैंगन, दो बैंगन, दो ही बैंगन है। और मस्त हो गया ये देखिए लहसुन, कितने बड़े बड़े पत्ते हो गए ना। इधर से भी सेम दिख रहा है, ये देखिए पूरा का पूरा हमने ना कवर कर रखा है पूरा। दो जड़ हमारा वो भी है, क्या बोलते हैं, अरबी। जो हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें नहीं पता, तो ये है टेरेस गार्डन, ये मैं छत पे लगा रखी हूँ, आप देख सकते हैं। और लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अभी आवाज़ भी तेज़ नहीं निकल रही, तेज आवाज़ जब निकलेगी जब पेट में कुछ जाएगा, एनर्जी डाउन है। ये पता नहीं मिर्ची आ जाए, बस ऐसे ही होता है, हर साल मिर्ची लगाती हूँ मैं। मिर्ची क्या लगाने में, घर के वो बीज खाते हैं हम लोग, वही लगा देते हैं, लेकिन होता नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। एक चीज़ और था दोस्तों, आपने मेरे पहले के वीडियो में देखे होंगे कि मैं, हमारे पास दो ही जड़ वो था सरसों, तो मैंने इसको तोड़ के यहाँ पे रख दिया था, अभी तो सूख गया। ये देखिए सोच रही हूँ मैं इसको कर दूँ, अभी थोड़ा ना नमी नमी सा लग रहा है, शीत की वजह से शायद। देखिए इसको जब धूप, पूरे दिन धूप लगेगा ना, शाम को आके कर दूँगी। इसके बीज देखिए निकल रहे हैं अपने आप से, दिख रहा है ये सारे बीज, तो शाम को आके करूँगी। मैंने सोचा था अभी कर दूँगी, अभी धूप कम लग रहा है, अब तो धूप भी इतनी तेज़ होने लग गई है। अभी घर में तो सो रहे हैं सब, सोच रही थोड़ी देर बैठ ही लूँ, अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा है, धूप बड़ा तेज़ लग रहा है। लेकिन ये मेरे कपड़ों ने मेरे को ऐसे कनपट्टी पे धूप लगने से बचा लिया है बहुत ज़्यादा। और अभी जा के नीचे नाश्ता वास्ता बनाऊँगी, एक भैया आने वाले हैं मेरे घर ऐसे ही काम से, तो अब जा रही हूँ नीचे, उनके लिए चाय वाय बना के रखूँगी। कल ही बात हो रखी थी इसके पापा से, इसके पापा भी उठ गए होंगे, मैंने बाहर से कुंडी बंद कर दिया, अगर वो बाहर निकलना भी चाहेंगे तो नहीं निकल पाएंगे, कुंडी बंद कर दिया मैंने। सिटकनी सिटकनी, चलिए दोस्तों फिर नीचे मिलती हूँ, बाकी का काम निपटाती हूँ, कपड़े रखने हैं, रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, फिर भी क्या होता है ना, कपड़े रखती हूँ, मुझे लग रहा है कि एक दो कपड़े निकाल के जो नहीं पहनते यार, बोलती हैं इसको बाहर निकाल दो, तो फिर बच्चे भी कहते इसके पापा में, नहीं 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 इसको और पहनूँगा, उस चक्कर में कन्फ्यूज़न में रह जाती हूँ मैं, इस वजह से अकेले काम नहीं होता। सिर्फ मेरा काम होता ना कि कौन सा पहन रहे हैं कौन सा नहीं पहन रहे, तो सबको साइड कर देती एक साथ, लेकिन मेरी मर्जी, ये वाला जो टॉपिक है ना वो बड़ा गंदा है, हम क्या कर सकते हैं, मेरी मर्जी, यहाँ पे मेरी मर्जी कुछ नहीं है बस। चलिए चलती हूँ नीचे, ये रहा चिमटी की थैली, बाल्टी में डाल दिया, सोच रही लहसुन पत्ता ले जाऊँ क्या, बाद में बोल दूँगी गुनगुन ले जाएगी।
ये है पता नहीं क्या दवाई है इसके पापा ने, हल्दी, कच्ची हल्दी, अदरक, लहसुन, अजवाइन, शहद, ये सब इसको उबाल के रात में आजकल दो चार रातों से पी रहे हैं। पता नहीं चक्कर क्या है, क्यों पी रहे हैं मुझे नहीं पता है। ये रहा दोस्तों मेरा लाल चाय, और इतना बचा के रखी हूँ, इसके पापा उठेंगे तब दूंगी उनको। और मैं ये चाय पीऊँगी और टीवी में न्यूज़ देखूँगी, और तब तक टीवी की आवाज़ सुन के मेरा मिट्ठू भी जग जाएगा। ये दबा दिया ना बटन, ये उठाया रिमोट और बेड पे फेंका, और कैसे तन के सो रहा है देख रहे हैं पूरा। अभी गुनगुन को उधर उठा के भेजी हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, देख रहे हो अभी मैंने चाय उठाया भी नहीं है, सिर्फ रखा है, न्यूज़ चलाया, दो न्यूज़ आई, वो भी फर्स्ट में चल रहा है, और ये महाराज उठ गए। हाय बोलो बेटू, हाय हाय, नहीं गुड मॉर्निंग, चलो बड़ा हो गया ना मेरा बाबू। गुड मॉर्निंग बेटू, चेंज लग रहा है ना, और पता है बाल कटा है, पता नहीं क्या जादू सा हुआ है, कुछ कुछ बोलने भी लग गया है, और बदमाशियाँ भी तेज हो गई है, ऐसे लग रहा है बाल ना ऐसे था, रोक रखा था, है ना बेटू, हैं सियाना हो गया। चलो यहाँ पे बैठो, आप यहाँ पे बैठे हैं, मम्मा चाय पिएगी। न्यूज़ आ रही है, न्यूज़। गाइस अब ये देखिए, आज मैं और गुनगुन सोचे आज हम होली की सफाई कर ही देते हैं, और आज मैंने पता है क्या बनाया, भथुआ साग, इसमें साग बन रहा है, इसमें चावल, और लंच में थे आलू के पराठे और दही, सब खा खू के ख़त्म कर दिए, और दोपहर का खाना बन रहा है, हमसे स्कूल से नहीं आया, ये हटा, ये मशीन में डाल देती हूँ धोने के लिए, तब तक इधर सफाई भी हो जाएगा, चादर वादर। अरे ये मेरा बाबू भी आ जाता है, ये देखिए मेरा बाबू नाव धाव करके फिर आ जाता है मम्मी के साथ। ये गद्दा इसके ऊपर कर दे गुनगुन, ये गद्दा इसके ऊपर कर, उठा लेगी, और इसको पूरा, तभी तो ये उठेगा। ये देखो जी, ये सारे गर्म कपड़े जो निकाल निकाल के उलझा उलझा के सबने पहना है, अब बस मेरे को तय लगाना है अच्छे से, और जो बाहर है उसको भी रखना है इसके अंदर। तो गुनगुन एक मिनट में चादर डाल लेती हूँ जरा मशीन में, फिर बाबू भी बड़ा तंग करता है, उठा के सारे कपड़े इसमें चटाई पे डालना, तभी तो तह लगाएंगे और निकालेंगे इसमें से जो हमें पहन, तह ही है इसको, तय बोलते हैं सबसे ज्यादा, तो ही इसको बिखेरती है, तय ही है ये देख, तह लगा रहा है। अरे एक का करके नहीं भाई, जल्दी जल्दी पूरा भर भर के उठा ना, हाँ ऐसे, देख रहे हो, इसको बाहर निकालेंगे, और क्योंकि अब जमीन पे सोएंगे, क्योंकि आ गई है गर्मी, सबका मन करेगा एसी में सोने का, और जगह होता नहीं है बेड पे, तो जमीन पे बिछाएंगे सोएंगे। ये वाली ब्लैंकेट भी बाहर निकाली, नानी घर जाऊंगी ये लेते जाऊंगी, ये मामू का है ये, उस तरफ रखना, अभी उसी तरफ रखूंगी, यही रखो, नहीं उस तरफ उठा के रखना। चल मैं भी लगती हूँ दोस्तों काम पे, क्योंकि ऐसे कैमरा पकड़ने से तो काम होगा नहीं।
और गुनगुन से तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसलिए पापा 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 पानी गिरा दिया। बेटा बेटा भीड़ा ना एक बार, अरे नहीं कर रहा। बेटू ये देख दोनों भाई बहन मिलके सफाई कर रहे हैं। अरे यार उठी यहाँ, ये दोस्तों ये देखो ये लड़की बैठ गई और अब कह रही है ऐसे ही रहने दो ना, इसको मजा आ रहा है ना यार, देखने दो यार साइड में जाओ। अरे तो देखेगी नहीं, काम भी तो करने दे। इसका क्या काम, पहले सरिया उठी के तय लगाओ वहीं रखो, फिर एक साथ ऐसे बंडल उठा के आना। अच्छा ये सारा हटा के, ये क्या नाम है इसके नीचे जो चादर है लाल वाला, इसको हटा के झाड़ना पड़ता है, फिर झाड़ू से झाड़ के जो धूल मिट्टी होगी वो हटाऊंगी, फिर जाके तय लगा के रखना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना। क्या कह रहा, मुझे भी ले ले, हट मैं खुद ही बाहर आ रही हूँ। मम्मी का नहीं, मम्मी सुपर वुमन है। कर दे थोड़ा सा बाबू को भी, कर दे यार। नहीं कर देगा, अभी गद्दा है ना, अभी चोट नहीं लग। गाइस अभी मैं आ गई हूँ छत पे, इसलिए आई हूँ कि अभी मैं ना आपको बताई थी मुझे ये तोड़ना है, सिर्फ पत्ते पत्ते तोड़ लूँगी ना, और क्योंकि घर में बनाई हूँ मैं सिर्फ साग, भाथू साग, भथुआ साग बोलते हैं जिसको, और चावल लंच में, तो मैं उसके लिए लेके ये धनिया ले जाऊँगी और ये देखिए मैंने पूरा ही नंगा कर दिया इसको, क्योंकि इसमें पत्ते आ जाएंगे, फूल लग जाएगा ना, फिर बीज आ जाएगा सिर्फ, और इतना तोड़ लिया थोड़ा सा। भाई दोस्तों ये देखिए, ये लहसुन का पत्ता, ये धनिया, और ये मैंने टमाटर भी पका लिया, बस मस्त धो के मिक्सी में ही पीसूंगी, फटाफट लंच तैयार हो गया। अब दोस्तों ये देखिए मैंने सरियाल लिया, और मेरा बाबू देखिए मेरे रिपोर्ट के साथ खेल रहे हैं, और ये मैडम नहा के भी निकल गई। ये लीजिए मैडम पकड़िए, और इसको ना यहाँ पे ऐसे करके रख दूंगी, तो ये ऐसे के ऐसे पड़ा हो गया इस तरफ हो गया, वही है उसमें पड़ा हुआ देख लो ध्यान से। नहीं अच्छा वो लंग्स वाली है ना। यस यस ये मेरा रिपोर्ट है रे कोरोना वाला, नहीं है वंशु को लगा वो अल्ट्रासाउंड वाली कह रहा है, अपने आप को तोड़ रहा है, पीट रहा है। ये वाला निकालना पड़ा, अब ये जमीन पे बिछाने के काम आ जाएगा, अभी तो सर्दी में तो नहीं सो रहे थे, पर थक गई यार, थक गई, लंच टाइम हो गया। दोस्तों पता नहीं उसका सामान वामान अड़ रहा होगा ना, इसलिए नहीं बंद हो रहा। अभी पूरे घर में ना ऐसे लगता है कपड़े ही कपड़े भर गए हैं, तो जो निकालना था निकाल दी, अभी अंदर के कमरे का बाकी है, उसका कल करूँगी है ना, और अब चादर वादर तो धोने के लिए डाल दिया, बाहर सूख रहा है, अभी लगा दूंगी लाके, और ये सब सब साफ करना है। देखिए पूरे घर फैला हुआ, और अभी देखिए मैंने कितना आइटम बनाया खाने में, साग चावल, ये देखिए साग देख रहे हैं, और ये चावल है, और ये है धनिया की चटनी, अभी ऊपर छत पे से ला के बनाई हुई धनिया की चटनी, और अंशु बोला साग भात नहीं खाऊंगा, तो उसके लिए रोटी, और ये शिमला मिर्च की सब्जी बनाई, उसने दो रोटी बनाया, दो रोटी, इसीलिए मैं कहती हूँ। और अभी पूरा किचन फैला हुआ, ये देखिए पूरा, देखिए बिल्कुल हालत ख़राब हो गया, ऐसे लग रहा है बस सो जाऊँ मेरे को लग रहा है, लेकिन अभी एक घंटे का और काम है, ये सारा पूरा एक घंटे का। ये देखिए बेटू, तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस इतना ही, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और मेरा टेडी देखिए कैसे
लटक रहा है बेचारा। तो मुक्का मार, गेट नहीं खोल।